दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्फेसिस के स्टॉक के बारे में। एम्फेसिस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ ट्रेड सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल रही थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और आज अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.12% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से भी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2611 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2786 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2900, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3000 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3200 और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2487 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2406 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2303 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।